उद्घाटन और प्रचार तभी अच्छे हैं जब उनके पीछे ऐसी बुनियाद हो जो जनता की सेवा के लिए असल में काम करे। जब सार्वजनिक संपत्ति के रखरखाव के अभाव और उपेक्षा के कारण लोगों की जान जाने लगे और पुल, प्लेटफॉर्म या मूर्तियां रिबन काटने के साथ ही गिरने लगे तो ये गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में ही मुंबई के बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर हुई भगदड़ भारत के दहते बुनियादी ढांचे की कड़ी में सबसे ताजा उदाहरण है। पिछले साल जून में बालासोर ट्रेन हादसे में 300 लोगों की जान चली गई, लेकिन पीड़ितों को मुआवजे देने की बजाय भाजपा सरकार ने उन्हें लंबे कानूनी दांव पेच में उलझा दिया है। सोचिए जरा, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति तक मात्र 9 महीने में गिर जाती है, इसका साफ मतलब है इरादा सिर्फ प्रचार था। इसमें ना ही शिवाजी महाराज का सम्मान था और ना ही जनता की सुरक्षा का ध्यान। आज देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है जो गरीबों की जरूरतों का भी ध्यान रखे, जो व्यापार को सरल, यात्रा को सुगम और लोगों को सुरक्षित रखे। भारत सक्षम है, समर्थ है, हमें बस जरूरत है प्रभावी और पारदर्शी सिस्टम की जिसका लक्ष्य जनसेवा हो और फोकस देश के मजबूत भविष्य की बुनियाद।